हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर तो आपके पास भी सैमसंग का सबसे थका हुआ फ़ोन गैलेक्सी A03 कोर है, ठीक है, और आपको उसमें आजकल एक इशू जो है वो फेस करना पड़ रहा है कि आप उसकी सेटिंग्स को अगर ओपन करें तो वो आपको एक एरर शो कर देता है कि सेटिंग्स नॉट वर्किंग। इसके अलावा आप ऑल ऐप्स में जाकर भी अगर सेटिंग्स को ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो बंद हो जाती है। कोई भी आप स्वाइप डाउन मेन्यू से अगर सेटिंग्स को ओपन करें तो तब भी वो ओपन नहीं हो रही, आपकी सेटिंग जो है वो वर्क ही नहीं कर रही, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आपको भी इस तरह का इशू जो है वो आ रहा है तो सबसे पहले जो काम आपने करना है वो आपने इस मोबाइल को उठाकर बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो दीवार पर मारना है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद भी अगर ये बच गया तो आपने कोई भी हथौड़ी लेकर जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह इसका जो है ना अशर नशर कर देना है। और उसके बाद भी अगर ये सेल फोन ओपन हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद वहाँ पर आपने सर्च करना है डिजिटल वेल बीइंग। ये एक गूगल की एप्लीकेशन होगी जिसमें आजकल जो है वो इस मॉडल के अंदर अपडेट होने के बाद जो है वो एरर आ रहा है। तो आपने इस ऐप को जो है ये ऑलरेडी आपके सेल फोन में इंस्टॉल होगा तो आपने इसको यहाँ से सिंपली अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद अगर आप दोबारा सेटिंग्स को ओपन करके देखें तो आपकी सेटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग करना स्टार्ट कर देगी। इसके अलावा आप अच्छे तरीके से तसल्ली कर लें कि आप स्वाइप डाउन मेन्यू से भी ओपन करके देख लें। इसके अलावा आप ऑल ऐप्स पे जाकर भी सेटिंग्स को ओपन करके देखें तो वो वहाँ से भी वर्क कर रहा होगा। तो उसके बाद आपने सेटिंग्स की आई ऑप्शन के ऊपर आना है, ऐप इंफॉर्मेशन में। वहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर स्टोरेज में आना है। स्टोरेज में आने के बाद आपने इसका डेटा जो है वो प्रॉपर्ली एक बार इसका क्लियर कर देना है। तो उसके बाद ये आपको दोबारा इशू जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा और आपकी सेटिंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से दोबारा वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगी। भाई तो इस छोटे से ट्रिक को फॉलो करते हुए आप इस बड़े सर दर्द से, इस बीमारी से जो है वो आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।